हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर 4 की क्लास है। पहले लोगो बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम मेन्यू कार्ड बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम कैनवा ओपन कर लेते हैं। हम जैसे ही कैनवा ओपन करते हैं तो हमें लोगो डिज़ाइन मिल जाता है, लोगो मिल जाता है। और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा लोगो और आप लोगों ने लोगो बनाना है तो आप ऊपर सर्च कर लें, सर्च करेंगे लोगो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। हमने जाना है लोगो में, हम इधर लिख लेते हैं रेस्टोरेंट लोगो। जैसे कि हम जैसे ही लिखते हैं रेस्टोरेंट लोगो तो हमें बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं। हम डिज़ाइंस में हम देख सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। और अब हमने जाना है एलिमेंट्स में। हम यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट लोगो, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं। हम ऊपर अगर देखें तो ऊपर एक बार है जहाँ पे लिखा हुआ है फूड लोगो, फोर्क एंड स्पून, शेफ हर्ट, फूड आइकन, रेस्टोरेंट, फोर्क एंड नाइफ, डाइनिंग शॉप आइकन, स्पून एंड फोर्क, कैटरिंग, बिजनेस लोगो। हमने जाना है ग्राफिक्स में सी ऑल, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं। तो अगर हम ये लें, ये वाला मास्कोट वाला, इसको हम छोटा कर लेंगे। ऐसे फिर हमने एलिमेंट में जाना है। हम ये ले लेते हैं, इसको हम बड़ा कर लेंगे। ऐसे ये मीट भी नहीं है। हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसको हमने बैक में लेके जाना है। हम इधर सेट कर देंगे। अब अगर इसका कलर चेंज होता है तो नहीं, इसका कलर नहीं चेंज होगा, इसका होगा कलर चेंज। इस तरह बस। और अब हमने इसमें राइटिंग करनी है, हम टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड अ हेडिंग, को हमने डिलीट कर देना है। हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए मैं अपना नाम लिखती हूँ, अनशाल अनशाल फूड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। अब हमने इसको एक ही लाइन में करना है, एक ही लाइन में
इसको हम एक लाइन में कैसे करेंगे, पहले हम इसको छोटा करेंगे। अच्छा पहले हम इसको ऐसे छोटा करेंगे, फिर हमने इसको ना एक ही लाइन में कर देना है। अब हमने इसको छोटा करना है, यहाँ पे हम लाएंगे या ऊपर। अब हमने इसको इफेक्ट्स में जाके हमने इसकी शेप चेंज करनी है, हम कर्व करेंगे इसको, हमने थोड़ा सा ऊपर करना है इस तरह। अब हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट में जाएंगे, जो ठीक लगे लगा सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा इसको हमने घुमाना है, ये ऊपर भी हमने नाम लिख लिया, अब हमने नीचे भी नाम लिखना है। बेस्ट बेस्ट फूड शॉप, ठीक है। अब हमने इसको छोटा करना है, हमने इसको इसको भी हमने थोड़ा सा कर्व देना है, इफेक्ट्स में जाके शेप ऊपर की साइड पे, ऐसे इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हमने इसमें स्पेसिंग देनी है लेटर स्पेसिंग, और इसमें भी थोड़ी सी हम दे देते हैं। अब हमने इसका कलर भी चेंज करना है, कलर हम कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से को अगर हम वाइट नहीं को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, दोबारा से कलर में जाएंगे, यहाँ से हमने एडजस्ट करना है। और इसको भी ऐसे। अब ये हमारा लोगो तैयार है, हम डाउनलोड में जाना है, PNG फाइल ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और एंड डाउनलोड। बस के डाउनलोड होके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा।